Disney Corporators, सुनने वाले साथियों और मेरी जो दीवार प्रदा मशीन माँ और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी गर्माई ताजी बसाएं तरबियती क्लासेस का आगाज होने जा रहा है और गुज़िश्ता 13 बरस से मुसलसिल हर साल सारा रेगुलर एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ैर इंतज़ाम चलाए जाने वाले ओवेसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में ये इसका सिलसिला इनेफाद अमल में हर साल होता आ रहा है, जिसमें हम मेनिंग के बच्चों के टेलरिंग के स्पोकन इंग्लिश कंप्यूटर और मुख्तलिफ दूसरे कई कोर्सेज को चलाते आए थे और जिसकी वजह से करीब 35,000 खवातीन को हमने हुनर से आरास्ता किया है और मैं समझता हूँ कि ये खुद अपने आप में एक अजीम कामयाबी है, एक अजीम कारनामा है जो ओएसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में हमने अपनी खवातीन को, अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को हुनर के जेवर से आरास्ता किया है और न सिर्फ हुनर दिया है बल्कि कई लड़कियों को, कई खवातीन को रोजगार से जोड़ा है और घर बैठकर कुछ कमाने का एक जरिया भी हमने मुहैया किया है इस ट्रेनिंग और ये वोकेशनल कोर्सेज के जरिए। और मैं ये जरूर कहूँगा कि जैसे कि अभी अनवार साहब ने खवातीन के मुकाम के ताल्लुक से बयान किया और आपके सामने ये रखा कि औरत का क्या मुकाम है इस्लाम में और क्या हुकूक है औरत के, तो मैं अनवार साहब से और हमारे डायरेक्टर से ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे स्कूल हैं जहाँ पे गरमाई तरबियती क्लासेस का अहतमाम किया जा रहा है वहाँ पर हफ्ते में एक दिन ही सही हर स्कूल में एक ऐसी महफिल का अहतमाम करें जहाँ पर खवातीन को इस बात से वाकिफ करवाया जाए कि इस्लाम में औरत का क्या मुकाम है, शरीयत क्या कहती है, अहादीस क्या कहते हैं और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वाज में किस मरतबा क्या मुकाम औरत का है उसको बयान किया। उस आदों से भी एक आधे घंटे की महफिल का इनेहाद हर स्कूल में रखें ताकि औरत को और हमारी बच्चियों को, खवातीन को ये मालूम हो सके कि इस्लाम में उनका मुकाम क्या है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हर गोशे से ये कोशिशें की जा रही हैं कि इस्लाम को बदनाम किया जाए। सबसे पहले सारी दुनिया में और सारी दुनिया के सामने ये पैगाम देने की कोशिश की गई और आज भी जारी है, एक साजिश की जा रही है कि इस्लाम को बदनाम किया जाए और इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ दिया जाए और इस्लाम और मुसलमान को दहशतगर्दों का मजहब या दहशतगर्द का मुखातिब किया जाए। और ये इसलिए है क्योंकि आज वो दुनिया में वो मुस्तर जहन, वो बेचैन दिल, वो अगर सब्र और इस्तेदलाल और सुकून मिलता है या अपने सवालात का जवाब अगर ढूंढता है एक इंसान
तो उसको किसी मजहब में भी अपनी बेचैनी पे चैन नहीं मिलता, अपने दिल के इस्तेराब पर सुकून नहीं मिलता, अपने दिल के सवालात का जवाब नहीं मिलता। दुनिया का वाहिद मजहब है जो बेचैन दिलों को चैन देता है और मुस्तर दिलों को सुकून देता है, और दिल के सवालात का जवाब भी अगर मिलता है तो इस्लाम में मिलता है। तो आज इसलिए ये लोग इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं। इस्लाम दहशतगर्दी का मतलब नहीं, इस्लाम दहशत की तालीम नहीं देता, इस्लाम अमन और सुकून का मतलब है, और इस्लाम तलवार की नोक पर नहीं फैला बल्कि इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की वजह से, अखलाक की वजह से फैला दुनिया में। और इस्लाम को आज बदनाम करते हैं तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान में मुस्लिम माशरे में और मुसलमानों को मुंतशर करने के लिए, मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए अगर अकायद के झगड़ों में उलझाया जा रहा है, मसला की झगड़ों में उलझाया जाता है, तो आज ये संत परिवार में कहूंगा कि दुश्मन इस्लाम यहूद और नसारा से मिलकर आज ये संत परिवार एक साजिश को लेकर आगे बढ़ रहा है कि मुस्लिम माशरे में खवातीन के जहनों को मुंतशिर कर ले, खवातीन के जहनों में सवालात का अंबार खड़ा कर दे और खवातीन के हमदर्द बन के सामने आए और खवातीन के हुकूक की बात करें। अरे आज एक औरत को किसी मजहब में वो हुकूक नहीं दिए गए जो हुकूक को मुकाम मजहब इस्लाम ने दिया। आज जो लोग मुसलमान औरत के हुकूक की बात करते हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि सती इस्लाम में नहीं थी, सती कहां थी, किसके पास थी, वो जानते हैं। औरत को किस तरीके से, जब औरत बेवा होती तो किस तरीके से औरत को घर से दूर रखा जाता था, बंद कमरे में औरत को डाला जाता था, जबरदस्ती उसको सफेद कपड़ा पहनने पे मजबूर किया जाता और उसके खाने के बर्तनों को अलग रख दिया जाता, उसको कोयले में डाला जाता था। ये क्या इस्लाम में है या किस मजहब में है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हम में तर्बीत करने वाले जानते हैं कि ये किस मजहब में है। इस्लाम में ये नहीं है। और अगर औरत अपने महारत उस चीज में रहती तो उस वक्त किस तरीके से औरत का सुलूक किया जाता था, ये इस्लाम में क्या है ये आपको जानना चाहिए। दूसरे मजहब में क्या, आज औरत के हुकूक के बारे में अभी अल्लाह साहब ने कहा, आपके सामने तफसीलात रखी कि औरत का हुकूक क्या है, किस तरीके से हुकूक मिलते हैं। लेकिन सर इस्लाम को बदनाम करना, औरत को बदनाम करने के लिए तलाक सलासा का मसला उठाया और फिर उसके बाद में अब ये भी लोग करेंगे कि औरत बड़ी साखों में मिलता है, उसके बाद फिर ये भी मसले को लाएंगे जरूर अपने सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है हलाला के ताल्लुक से, किस तरीके से ये सारे चीजों को मतलब आम पर लाकर मुंतशिर करना था। मैं यहाँ पे बैठी मेरी इस जमा पड़ता रही Субтитры